नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कारनामे बोलते हैं और मैं हूं नवीन सिंह। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाएंगे जिनकी वैल्यू 2019 में सबसे ज्यादा होगी। आइए स्वागत करते हैं एक भारतीय वोटर का। नमस्कार। नमस्कार भैया। हर हर महादेव, जय गंगे मैया। सर, आपको अपने वोट की वैल्यू तो पता ही होगी। वोट की कीमत भैया देखिए, हमको पता है। आपसे मेरा पहला और सीधा सवाल ये है कि आप 2019 में किसको वोट देंगे और किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हमारा भैया देखिए, एक सीधा साधा सिद्धांत है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब मोदी छोड़कर हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। सर जी, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आप फिर भी मोदी सरकार को वोट देने के लिए तुले हुए हैं। भैया एक बात बता दूं, कुछ भी हो जाए साला खाने के बिना मर जाऊंगा, लेकिन वोट दूंगा तो सिर्फ बीजेपी की दूंगा और किसी की नहीं दूंगा। अच्छा भैया देखो, पेट्रोल का दाम का थोड़ीका बढ़ गया तो तुमको मिर्ची लगने लगी, और देश हित के लिए ये सब है भैया। अच्छा, तो आप ये सब देश हित के लिए कर रहे हो। सर जी, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ पूछो, बिल्कुल पूछो। आप कौन सी गाड़ी से चलते हैं? बहुत सीधा सरल जीवन है भैया हमारा, गाड़ी वाड़ी नहीं हमारे पास, हम तो पैदल चलते हैं। क्या लग रहा है, पैदल एकदम चलते चले जाते हैं। अच्छा चलो सर जी, मान लिया पेट्रोल और डीजल पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन गैस महंगा हो रहा है, गैस पे तो आपको फर्क पड़ता होगा। गैस, हाँ मैं मान लिया गैस बढ़ रहा है। आपको पता है पिछली सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया है, देश कितने कर्जे में डूबा हुआ है, चाहे गूगल करके देख लो जाके कितना कर्जा है हमारे देश में। तो अब थोड़ा बहुत हम और आप नहीं भरेंगे, कौन भरेगा? अब मोदी कतौ पैदा थोड़ी करते हैं। अच्छा, अकेले आदमी है न मेहरारू है न लड़का, कर किसके लिए रहे भैया? वो तो हमारे लोग के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे हो, और हम अगर उनका साथ नहीं देंगे तो देख लो फिर मोदी अकेले क्या कर पाएंगे बेचारे। अच्छा, तो आप खाना तो गैस पे बनाते ही होगे? भैया देखो, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, चूल्हा है हमारे पास, लकड़ी लाते हैं, लकड़ी लगा खाना बना लेते हैं, गैस की अभी कोनो जरूरत ना है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको गैस से भी फर्क नहीं पड़ता है। पानी की सुविधा तो प्रॉपर होगी आपके पास? भैया देखिए, एकदम शुद्ध निर्मल पानी 24 घंटा आता है। अरे वाह, गंगा वाटर, एकदम गंगा जी बगल में रहते हैं, वहीं नहाते हैं, खाते हैं, वहीं पानी पीते हैं, कपड़ा भी धुलते हैं। जिसको आपके यहाँ गंगा वाटर बोलते हैं, वो हमारे यहाँ एकदम शुद्ध ऐसे बहता रहता है, स्वच्छ गंगा निर्मल पानी। वाह क्या बात है, जय हो गंगा मैया। स्वच्छता से एक बात याद आई कि आपके यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय तो बना ही होगा। शौचालय? शौचालय टेंशन वंशन नहीं है भैया, एकदम बना तो है देखो घर पे, लेकिन वो 4x4 कमरा में होता का है आप बताइए। साला सांस फूल जाए, दम घुट जाए, मन ही मरने स्थिति में आ जाए, पसीना पसीना हो जाते। से बढ़िया एकदम खुला मैदान है, सुबह सुबह एकदम उठ के जाओ, ताजी ताजी हवा मिलती है, बगल में एकदम गंगा जी मैदान है, वहीं चले जाओ, वहीं करो, साथ में नदी है, ये है, कौन दिक्कत है। अरे गंगा मैया, कैसे सबकी सफाई कर रही है आप शौच भी वहीं करते हैं, पानी भी वहीं पीते हैं, नहाते भी वहीं हैं, वाह 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 क्या बात है। ए मर्दे, पानी बहता है, वो रुका थोड़ी है वो पानी, अब चाह निकल गया। चलिए, आपसे बात करके मुझे ये समझ में आ गया कि इन मुद्दों पर आपकी कितनी गहरी सोच है। अपने लिए थोड़ी न कर रहे हैं मोदी, अपने छाती पर रख के थोड़ी ले जाएंगे, वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, अकेले हैं वो, सबके लिए कर रहे हैं, सबका उद्धार करना चाहते हैं, इन तुम लोग न समझो। तो चलिए, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और 2019 में देखते हैं कि आपका ये वोट क्या कारनामा करता है। धन्यवाद। नमस्ते भैया, और एक बात और याद दिला रहे हैं हम सबको कि भैया अपने लोग खतरे में हैं, 2019 में हर हर मोदी, घर घर मोदी होना चाहिए। तो दोस्तों, इनसे बात करके आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि आम इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन इन जैसे भक्तों का शरीर 6 तत्वों से मिलकर बनता है, और वो 6ठा तत्व होता है गोबर सल्फेट। धन्यवाद दोस्तों।